जय हिंद दोस्तों, कंस्ट्रक्शन हाउस चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हाउस चैनल। इसमें हम हर तरीके की वीडियो दिखाते हैं आपको और हर तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन से नॉलेजमंद आपको वीडियो दिखाई जाती है। तो दोस्तों मेरी इस चैनल पर बने रहें क्योंकि मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम छोटे मकानों में किस तरीके से जीना, लेटरिन, बाथरूम और किचन बनाते हैं। आप लोगों को दो चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। दोस्तों अक्सर के लोग दिखाते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी जगहें हैं, बड़े बड़े मकानों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं कि हमने इस तरीके से जीना बनाया, हमने उस तरीके से काम किया। लेकिन दोस्तों ज़्यादा जगह के मायने में हम जब भी ज़्यादा जगह में मकान बनाते हैं तो हमारे पास एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा भरपूर जगह होती है जिसमें हम कुछ भी कहीं भी बना सकते हैं। हालांकि ये नहीं कहता कि मैं उन लोगों का काम गलत है, बहुत अच्छे काम है उन लोगों के, लेकिन कारीगरी जिसमें होती है, हम जिस तरीके से मिडिल क्लास फैमिलियों का बनाते हैं मकान और इंसान एक तरीके से नहीं है उसके पास इतनी पूंजी के वो इतना बड़ा काम एकदम ले कर चल पड़े। तो दोस्तों हम हमेशा जो भी वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को एक छोटे मकानों की दिखाते हैं, गरीब फैमिलियों की। लेकिन सही मायनों में छोटे मकानों में बहुत दिक्कत होती है छोटी जगह के मायने में कि किस चीज़ को कैसे निकाला जाए, लेटरिन बाथरूम। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हमने एक मकान में कुल 25 गज जगह में हमने किस तरीके से जीना, लेटरिन बाथरूम और किचन दिया है, वो भी सही ढंग से। तो आप वीडियो में बने रहें। और हाँ दोस्तों, आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कमेंट में कि आपको क्या चीज़ में कमी दिखी, मैं आगे से आपकी कमी को दूर करूंगा और इस वीडियो को शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, ये हमने ये मकान बनाया है और ये भी बहुत कम 30 गज जगह में बना हुआ है और आप लोगों को बताएंगे इसमें मकान में सही तरीके से जीना कैसे बनता और किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ आना चाहिए। आप देखते जाइए इस वीडियो में, हम आपको दिखा देते हैं। कि इसका कमरा है जो हमने बनाया है और ये बरेली में इस तरीके से मसाला बनता है जो कि ये बना रहे हैं हमारे मजदूर। और आप देखते जाइए, ये जीना है, ये इसकी मेन चौड़ी है इधर बजे की, जो कुछ नहीं कभी नया फर्श बनने जा रहा है। ये लैट्रिन है इसकी, इस जगह पे एक कोने में लैट्रिन दे दी गई है और दूसरी जगह पर ये नहाने का बाथरूम है इनका, इसमें नल लगा हुआ है, देसी जुगाड़ से नल लगाया गया है। ये ऊपर से आने का पाइप है। ये कमरा हमने अभी कर तैयार करा है, इसका कल ही फर्श डाला गया है। देखिए आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा कमरा है ये, और आप आगे देखेंगे किस वीडियो में। और ये नई चुनाई रखे, पूरी नई चुनाई है ऊपर और नीचे पुरानी चुनाई। और ये जीना है इसका, किस तरीके से हमने जीना बनाया है, कुल 6 फीट जगह थी हमारे पास, इसमें किस तरीके से हमने जुगाड़ से जीना बनाया, आप देखते जाइए। देखिए जीने पर हम चढ़ के भी आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जीना बन रहा है। और आप इस वीडियो को, आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें कंस्ट्रक्शन हाउस चैनल को। देखिए ये जीना है, आखिर इधर से आखिर हो गया, ये कुल 6 फीट जगह में हमने जीना ये बनाया है। और ये देखिए छत है जीने की, और आपको दिखाएंगे कि हमारे घने जो नीचे हमने जो चौकी दी है, ये वो चौकी है जिस जगह पे आदमी घूमेगा इस जगह से, ताकि उम्रदार आदमी आए यहाँ पे रुक जाए। और ये आपको नीचे की भी वीडियो दिखाऊंगा फुल तरीके से किस तरीके से हमने जीने को बनाया। देखिए आप किस तरीके से बड़ा हुआ जीना है, आप लोग देखेंगे, ये देखिए आप किस तरीके से बना रहा। और ये जो है जीने के नीचे जो हमारी फालतू जगह जो बच जाती है, ये वो जगह है, हमने इसे भी इस्तेमाल में ले लिया। और इस जगह हम इसकी एक साइड से किचन देंगे, इस जगह पे आप अपना फालतू सामान जैसे सिलेंडर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इस जगह पे। और ये पूरी जगह को हमने किचन के टाइप बनाया है, ये देखिए इस जगह पे किचन आएगा और ये किचन के